ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਮਕਲੌੜਗੰਜ ਬਹੁਤ ਕਰਾਊਡੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਧਰਮਕੋਟ ਇਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਮ ਟਰੈਕਸ ਮਕਲੌੜਗੰਜ ਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ये सारा हिम ट्रैक का ही आ जिनी भी प्रॉपर्टी आ इन्हां दे कैंप्स वगैरह ने सारे तो इत्थे असीं आपदा टेंट लाउण लगे हाँ तो सारी जगह वधिया जाने के प्राइवेसी है कैमरे लगे हुए हैं चारे पासे समान वगैरह असीं इत्थे छड़ सकते हैं सानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आ बस हुण इत्थे टेंट लाउणा क्योंकि मीह पै रहा सानूं इह आ टेंट पहलां लाईए बाद च फिर करदे हां कुछ भी जब मार्केट जांदे हां पूरी सेफ्टी है इत्थे सानूं वधिया टिकाणा मिल गया इन्नी असीं उम्मीद नहीं सी करी वी सानूं टिकाणा इन्ना वधिया मिल जू इत्थे लग गया ये लोकेशन है ये इन्हां दे टेंट ने सो टेंट साडा लग गया इत्थे गद्दे वगैरह भी इहदे च रख ले बाई ने सानू देते ते बस हुण समान असीं रखदे आ ये साडा पिया समान अमृत पहला तू आपदे वाली वह चक मैट फिर आपां साइड ते ला के उहदे समान रख लांगे सारा ओए आए ना पानी कड़ो थोड़ा पहला पानी कड़े तो पिछे चक दे सो ये टेंटा ते इधर खलारा पिया पूरा साडा समान दा ते अंदर पूरा नज़ारा बाहर वैसे मीह पै रहा कहने मैंने शायद सानू सुन भी रही हो पर वधिया एक्सपीरियंस आ हुण बस थोड़ा चेंज कर लिया सी मूँह धो के बाजार चलते हैं जो भी मकलौड़गंज आने आ बाई तो जरूर अपन को लेके खाई जो ये रास्ता ये आम रास्ता मकलौड़गंज का जरा पक्सू ना के वाटरफॉल में जाता तो मोस्टली आप यही जाने अक्सर इतने जरा ज़्यादातर क्राउड देखने मिलता तो हूँ देखो शाम के 4:30 हो गए लगभग खाली आ गया सारा तो आ जी सामने इतने टैंपल का जो पक्सू टैंपल वह गेट आगे कुंडा तला जिन्हों कह दें आप ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁੰਡ ਤੇ ਆਹ ਕੋਪਰੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁੰਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਭਗਸੂ ਨਾਗ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਟ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ पहाड़ी गए त्रियुंद जो फर्स्ट टाइम गए थी
यार इन्ना सोहना लग रहा है वाटरफॉल, बट कैमरे च शायद इन्ना सोहना नहीं आना जिन्ना अखा नूं देखण नूं सोहना लग रहा। मीह पै रहे आ पूरा, पर वाटरफॉल इन्ना सोहना लग रहा क्योंकि पानी उहदे विच ज़्यादा आया होया, ते मतलब बहुत वधिया इंजॉय हो रहा साडा इत्थे। सामने टूरिस्ट ने काफ़ी पर उन्ने नहीं है जिन्ने आम तौर पर वाटरफॉल उत्ते देखने मिलते हैं। सौन की झड़ी जी लगी हुई है, पिंड मिंड जी हो जाती है सौन की झड़ी। ऐसे सुकून इन्हों भी इतने आके तो हवा बदल जाती है, किमें भरे हुए ने वाटरफॉल दा बहा इन्नी तेज आ ना, मतलब पूरा खड़का हो रहा, पर फिर भी काफी लोग नहा रहे ने इत्थे। तो हूँ चले असी वापस, बहुत इंजॉय कर लिया। वैसे असी सोच के आए थे कि इस बार वाटरफॉल नहीं आना क्योंकि अक्सर वाटरफॉल ही आने, बट आना फिर वाटरफॉल ही पै गया। खैर चलो देखते हैं, अजे दो तीन दिन है जो गए थे उदो भी मीह पै रहा, तो हूँ वापस आए हैं फिर मीह पै रहा, लगातार बारिश हो रही है। तो बाकी इस वीडियो में इतने एंड करते हैं, मिलेंगे कल तुहानू अगली वीडियो के तुरंत के ट्रैक के उत्ते, जो कि लग रहा कि बहुत मज़ा आने वाला क्योंकि असं 28 बंदे का ग्रुप है जोड़ा तुरंत ट्रैक के उत्ते जा रहा, वह भी मानसून के। सो लैट सी की बनता कि नहीं, बाकी हूँ इतने आ गए हैं तो बस आपके टेंट के पड़ते हैं हम क्योंकि मीह पै रहा, होर कर कुछ है नहीं। तो कल मिलते हैं हम तुम नैक्सट वीडियो के।